मॉर्निंग। और आज जो मेरा सुबह हो रहा है वो मेरी बेटी से सुबह हो रहा है। देखिए जैसे जैसे उसको स्कूल में टीचर पढ़ाती है बिल्कुल वैसे ही नकल घर में वो करती है, वैसे वैसे स्टूडेंट को डांटती है, जैसे जैसे टीचर करती है वैसे हूबहू वो घर में करती है नकल। और आज ये स्कूल नहीं गई क्योंकि वैन का कुछ इशू था, वैन का कुछ स्ट्राइक उस्ट्राइक कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए वैन वाले ने मुझे सुबह सुबह कॉल किया, सॉरी सुबह में नहीं शाम में ही कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल छोड़ तो दूंगा लेकिन लाऊंगा नहीं, सो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा फिर ठीक है छोड़ दीजिए क्योंकि लाने में हम लोग को भी प्रॉब्लम है। पंकज जो है ऑफिस चल जाते तो उनका कोई गारंटी नहीं रहता कि कब वो निकलेंगे ऑफिस से, नहीं निकलेंगे काफ़ी लेट भी हो सकता है, तो इतने छोटे बच्चे को स्कूल में छोड़ना इतना देर सही बात नहीं है, इसीलिए आज इसको स्कूल नहीं भेजी हूँ। तो आज मेरा ज़्यादा काम बढ़ जाता है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जिस दिन ये घर में रहते उस दिन मेरा काम बढ़ जाता है और बहुत स्लोली काम चलने लगता है, तो इसीलिए। और देख लीजिए पढ़ा रही है। हम लोगों ने बाल में ऑयल ले लिया था मैं और मेरी बेटी, और सोची थी आज वॉश करेंगे, पर अचानक से सुबह जो उठी तो मुझे याद आया कि आज जो है थर्सडे और थर्सडे को हम लोग हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो इसीलिए आज पूरा चिपकू चिपकू बन के ही घूमना पड़ेगा। कहीं अगर जाना भी होगा तो ऐसे ही जाना होगा, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा भी होता है ना, देखिए कितने बाल झड़ रहे हैं, देखिए इत्तेफाक से ऐसा भी होता है ना कि जिस दिन आप हेयर मसाज करो ना, जिस दिन आप बाल में ऑयल लो उसी दिन आपको कहीं जाना होता है, वो भी अच्छी जगह निकलना होता है, तो उस समय बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है, और आप हेयर वॉश भी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए और भी गुस्सा आ जाता है कि ऐसे ही दिन क्यों मुझे इंपॉर्टेंट जगह जाना होता है जहाँ पर मुझे हेयर वॉश कर लेनी चाहिए और भी हेयर वॉश कर नहीं सकते, तो उस समय बहुत बहुत चिर बढ़ जाता है। क्या आपके साथ होता है? मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है उस समय। बालों में आप ऑयल लगाइए और तब कहीं जाना होता है ना, आप कितना भी अच्छे से रेडी हो जाइए, कितना भी अच्छे से मेकअप कर लीजिए, लेकिन फिर भी ना लगते रहता है कि कितने बीमार हैं हम। अभी अभी जस्ट बिस्तर से उठे हैं और सीधा इसी जगह पहुंच गए जहां मुझे जाना होता है, ऐसा मुझे फील होते रहता है। चाहे आप कितना भी अच्छा ड्रेस पहन लीजिए और कितना भी अच्छे से मेकअप कर लीजिए, तो ये मुझे ना बहुत ही अजीबोगरीब लगता है उस समय। खाना बनाने क्योंकि इधर का जितना काम था सब हो गया है, तो अब खाना बनाने का ही बाकी है। नाश्ता तो ऐसे हो चुका है, पर खाना बनाना बाकी है। मेरी बेटी भी बोली कि मामा मुझे भूख लगा, तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ खाना बनाने। खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, अभी 11:30 हो रहे हैं, 12:30 बजे तक खाना खा लेंगे, क्योंकि मेरी बेटी के खाने में बहुत नखरे रहते हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। वो देखिए बालों में कितने सारे क्लिप लगाई हुई है, क्लचर लगाई हुई है, 1-2 क्लचर लगाई हुई है, पूरी गुथनी बनी हुई है। हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे मम्मी का वीडियो कमेंट्स कर सकते हैं, मेरा भी, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे जगह आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बहुत लाइट और अच्छा खाना बनाया जाए, दाल चावल आलू का चोखा, क्योंकि जिस दिन मेरे घर में दाल चावल आलू का चोखा बनता है ना, उस दिन ज़्यादा ही भूख लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा ही अच्छा खाने में लगता है और ज़्यादा ही खाने का मन करता है। आलू तो मेरी बेटी का फेवरेट है, तो वो खुशी खुशी खा लेगी। पता नहीं क्यों आज ना मुझे सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कितना लाइट खाना हो उतना ही अच्छा लगेगा। दाल ये रहा मेरा, दाल बन चुका है और इसे मैंने छौंका लगा दी है, क्योंकि मसूर का दाल मैं बनाई हूँ, तो मैंने इसे जीरा और मिर्ची। माँ मैंने टीवी ऑन कर दिया। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ये क्या कर दिया आपने? चलिए 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 ठीक कर दिया। मैं बंदर ऐसा कर दी, वो टीवी में पता नहीं कौन सा बटन क्लिक कर दी थी जिससे ना टीवी लॉक हो गया था, तो वही गई थी ठीक करने, अभी ठीक करके आई हूँ। ठीक है, अभी कार्टून देख रही है। मेरा ये आलू का भुजिया भी बन चुका है, चटनी बनाने का जो प्रोग्राम था चोखा वो कैंसिल हो गया, तो उसके बदले आलू का भुजिया बना है, दाल बन चुका है, हाँ मैं जो बोल रही थी, और प्याज से मैंने इसे छौंका है, छौंक लगाई है, और चावल मेरा बन रहा है, चावल जो बन जाएगा सिर्फ लास्ट चावल ही है, चावल में सीटी लग जाएगा, उसके बाद मेरा खाना जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं आज उसको बहुत जोर से भूख लग गई है, वो मतलब 2-2 मिनट पर बोली मुझे खाना दो मम्मी, तो उसे जल्दी से खिला दूँगी, सबसे पहले मैं उसी को खिलाऊँगी, उसके बाद ही कोई काम हो नहीं करूँगी।
कुछ ज्वाइन कर लो, कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लो, जैसे डांस क्लास हुआ, योगा क्लास हुआ, इसमें से मैं कुछ क्लास ज्वाइन कर लूँ। क्योंकि डांस जो है वो मैं बिफोर मैरिज करती थी, मैं शादी के बाद ही मेरा डांस छूट गया है। पहले मैं डांस करती भी थी, डांस क्लास भी जाती थी और कुछ छोटे छोटे बच्चों को मैं सिखाती भी थी, पर अब बहुत दिन से जो है मैं डांस क्लास छोड़ चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी डांस भूल चुकी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डांस क्लास या योगा क्लास ज्वाइन करूँ, क्योंकि अब मैं ये एंटरटेनमेंट के लिए करना चाहती हूँ और मुझे अच्छा फील होगा अंदर से, क्योंकि इंसान को वो काम ज़रूर करना चाहिए जो उसे अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके सजेशन दीजिएगा कि मैं क्या ज्वाइन करूँ। पर मैं अभी सोच ही रही हूँ, तुरंत मैं कुछ भी ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ, पर मैं अभी थोड़े से सोच रही हूँ इस टॉपिक पर कि कुछ ना कुछ तो ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि जब मैं खाली बैठती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगते रहता है। और मैं सोचती हूँ कि कुछ इस तरह का एक्टिविटी करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब तो मेरा है, ये तो मेरा पैसन है, ये तो मेरे साथ चलेगा ही चलेगा। लेकिन उसके अलावा भी मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ कर लूँ, जैसे डांस, योगा, ये सब मुझे अच्छे लगते हैं और ये सब मैं कर भी चुकी हूँ। मैं कितने सारे अवार्ड भी जीत चुकी हूँ डांस में, और मैं बहुत जगह गई भी हूँ डांस प्रोग्राम में, फंक्शन में, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी एक बात है कि जब भी मैं कितना भी बीमार रहूँ, कितना भी ये रहूँ, लेकिन जब डांस करने की बात आती है तो मुझ में एक अलग से एनर्जी आ जाती है कि मैं ऐसा चीज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ जो मेरे हिसाब से टाइम टेबल सेट हो और वीक में 1 या 2 डेज ही हो, पूरी वीक ना हो। तो मैं ऐसा चीज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी बेटी जो काफ़ी छोटी है, तो मुझे उसके हिसाब से टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। तो वीक में 1 या 2 डेज तो मैं निकाल ही सकती हूँ, हाँ, मतलब अलग से, लेकिन पूरा वीक मैं दूसरे के शेड्यूल से नहीं चल सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट का ये चाहिए जो मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकूं मैं उस चीज़ को। तो आप लोग फ्रेंड ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं कौन सा क्लासेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मैं पहले चाहती हूं कि मेरे फ्रेंड लोग मुझे जो है, जो मेरे व्यूवर हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, वो सब मुझे बताए कि मैं सब ज्वाइन करूं तो क्या ज्वाइन करूं, क्योंकि मैं कुछ भी एक ही चीज़ ज्वाइन कर सकती, क्योंकि मैं योगा या डांस जो है वो एंटरटेनमेंट के साथ जो है थोड़ा सा फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जब जितना एज बढ़ते जाता है, इंसान की जो बॉडी का जो कैपेसिटी है वो घटते जाता है, उस स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए ये काम करना चाहती हूँ। और एक्स्ट्रा मतलब इंसान अपने फिटनेस पर ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन इंसान अपने फिटनेस के साथ साथ उस चीज़ पर भी ध्यान दे जो उसे अच्छा लगता हो, क्योंकि फिटनेस का बहुत सारा रास्ता आ गया। ये नहीं है कि आप जिम ही जाओगे तभी फिट रहोगे, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मन है ना मन है, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जिम जाओगे तभी फिट रहोगे, तो इंसान ऐसा कर सकता। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, डांस क्लास है, जुम्मा है, और योगा है, जिम है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको वही चीज़ चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको मन लगता हो, जिसमें आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ जिस काम में, तो वही काम करना चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सा क्लास ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरा ज़्यादा मन तो डांस में ही लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग की राय भी मायने रखती है मेरे लिए। तो प्लीज़ आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और एक बात की, अगर जिसे स्विमिंग करना अच्छा लगता है तो वो स्विमिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि अब तो स्विमिंग क्लासेस भी हर जगह जगह पे खुल गई है, तो ये सब तो है ही। फ्रेंड ये क्या, मेरा वीडियो इतना कम लाइक होता है, उफ़, लाइक होता ही नहीं है। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इंतज़ार किस बात की, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में जो एक बेल है उसे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि उसे क्लिक कीजिएगा तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी। मेरी बेटी जो है अभी सो चुकी है, तो वो मुझे परेशान नहीं करेगी, तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक सूट दी हूँ सिलने के लिए, उस सूट का जो दुपट्टा है उस पर बीच बीच में जो है सितारा बिठाया हुआ है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसे मैं कुछ दिनों से निकाल रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से एक साथ एक या दो दिन में नहीं निकाल पाई हूँ, तो उसे मैं सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ, तो आज भी कुछ निकालूँ। अब थोड़ा ही सा बाकी रह गया है, तो बस थोड़ा सा को मैं अभी निकालूँ, क्योंकि बेटी जब रहती है तो वो थोड़ी सी बदमाशी करने लगती है, थोड़ी सी चंचल है, तो वो निकालने नहीं देती, तो
था, जब वो सो जाती तो ये काम मैं उसी समय करती हूँ। तो अभी वो सो गई है, अब मुझे नींद भी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो काम कर लेती हूँ। और घर में पूरी तरह से कपड़ा फैला हुआ है, बाहर बरसात का मौसम है, कपड़ा अच्छे से नहीं सूख पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब पानी पूरी तरह से गिर जाती है और थोड़े से कपड़े जो ड्राई हो जाते हैं, तो मैं उसे घर में लेकर बाहर में तार लगी हुई है बरंडे में, वहाँ पर कुछ कपड़ा फैलाती हूँ। और जो बरंडा में कपड़ा पहले से सूख रहा होता है, जो थोड़ी बहुत गीली होती है, तो उसे मैं जिस रूम में अभी हम लोग सोते नहीं हैं उस रूम में कपड़ा फैला देती हूँ और वो सूखते रहते हैं। इस रूम में मैं बेड पे ला के कपड़ा फैला दी हूँ, ये सब सूख रहे हैं। और जो मैं बाहर में आज फीच के डाली थी कपड़ा, तो वो सब मैं बरंडा के तार पे दे दी हूँ, सूख रहे हैं। बरसात के मौसम में इस चीज़ का बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है कि कपड़ा कहाँ फैलाए, कहाँ सुखाए, क्योंकि आप हर एक कपड़ा वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते हैं और उसका जो पानी है वो अच्छी तरह से नहीं गिरता। जब आप हाथ से धोते हो कोई कपड़ा, तो उसका जो पानी है अच्छी तरह से नहीं सूखती, तो उसको पानी को निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं फैलाना पड़ता है। और बरसात के मौसम में आप बाहर तो नहीं फैला सकते हो, घर बाहर करते करते दिमाग भी ख़राब हो जाता है। जैसे ही बादल आते हैं तुरंत उठाओ घर के अंदर करो, जैसे बादल छट जाती है थोड़ा सा धूप निकलता है तो फिर तुरंत बाहर डालो, ताकि थोड़ा सा तो हवा लगे, थोड़ा सा तो धूप लगे, नहीं तो कपड़ा में बड़ी अजीबोगरीब स्मेल आ जाती है। रहा वो दुपट्टा जिसमें कहीं कहीं सितारा है, ये देखिए ये सितारा वीडियो में तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसी को कुछ दिनों से निकाल रही हूँ, क्योंकि इसका जो सूट पीस है वो मैंने ऑलरेडी सिलने के लिए दे दी हूँ, और मैं जब वो सिल के आ जाएंगे तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा लग रहा है। और इसका कलर जो है बहुत प्यारा है, इसको फिरोजी कलर भी नहीं बोलेंगे, इसमें हल्का हल्का ग्रीन भी है और ब्लू भी है, तो आई डोंट नो कौन कौन सा कलर कहते हैं, मुझे कलर के बारे में उतना जानकारी, जो बेसिक कलर है मुझे उतना पसंद होता है, लेकिन वो मिक्स मैच जो रहता है तो मुझे उतना नहीं पता चलता है कि कौन सा कलर है, इसलिए मैं क्लियर नहीं बता पा रही हूँ कि ये कौन सा कलर है, लेकिन कलर बहुत प्यारा है। और इसका सूट जो दी हूँ, तो कौन सा डिज़ाइन दी हूँ सिलने के लिए, ये सरप्राइज़ है, उसी दिन मैं बताऊँगी कि कौन सा डिज़ाइन है इस सूट का। डिज़ाइन तो बहुत प्यारा है, और इसके साथ साथ एक मैंने चूड़ीदार भी दी है सिलने के लिए, सॉरी चूड़ीदार नहीं, अनारकली सूट दी हूँ मैं सिलने के लिए। उसका साड़ी मैंने आप लोगों को दिखा चुकी थी कि कौन सा साड़ी का मैं सूट बना रही हूँ, पर वो कैसा बन रहा और क्या है वो मैं जिस दिन आ जाएंगे उस दिन मैं आप लोगों को से शेयर करूँगी उस सूट के बारे में भी। फ़िलहाल तो मैं इसका जा रही हूँ सितारा निकालने के लिए, और निकालते समय तक मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ या बना पाऊँगी, इसीलिए मैं इसे निकाल के आगे आपसे बात करती हूँ। फाइनली मैंने उसका पूरा का पूरा सितारा निकाल दिया जितना मुझे निकालना था। अब मुझे उसके लिए एक लेस लेना है, अच्छा से उस पर लेस बिठाना है, लेकिन अभी नहीं लूँगी, जब मेरे सूट आ जाएंगे तो मैं लूँगी, ताकि इस पर भी अच्छे से लेस बिठा सकूँ। और सूट के जो नीचे वाला कॉर्नर होता है, अगर वहाँ तक डिजाइन कट जाती है तो मैं उस पर भी वही लेस बिठाऊँगी, इसीलिए मैं उसी दिन लूँगी जिस दिन वो सूट आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, और मेरा वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसे देख के लाइक कीजिएगा। ओके, बाय।